हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6000 से भी ज़्यादा जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जहां पे मैं आपको इन एग्ज़ाम के साथ साथ जहां पे पोस्ट के साथ साथ इसकी क्वालिफिकेशन बताऊँगा कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं जिसमें आपकी 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये वैकेंसीज जो आई हैं ये आपको देखने को मिलेगी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2023 है। इससे पहले पहले आप ज़रूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, और जहां पे अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते तो आपकी फ़ी जहाँ पर 1500 रहने वाली है, और अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 यहाँ पर फ़ी जो है आपकी रहने वाली है। अभी तक एडमिट कार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप 18 अगस्त से पहले पहले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल पोस्ट के बारे में, तो टोटल पोस्ट आपकी 6329 यानी 5500 से भी ज़्यादा आपको वैकेंसी जो है TGT की देखने को मिलेगी। हॉस्टल वार्डन मेल की आपको 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल की आपको 334 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जहां पे बहुत बड़ा नंबर आपको TGT पोस्ट के लिए यहां पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जहां पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स TGT ग्रुप बी की अगर बात करें तो जहां पे लैंग्वेज के हिसाब से पोस्ट को डिवाइड किया गया है, ये आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और जहाँ पर सोशल स्टडी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में जहाँ पर बताई गई है ओपन मेरिट की कितनी है। उसके साथ साथ सेकेंडली जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड लैंग्वेज की बात की गई है, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं तो उर्दू जहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू की जहाँ वैकेंसीज हैं, और जहाँ पर जो नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी लैंग्वेजेस के हिसाब से, जहाँ पर बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, उड़िया, ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी, इसकी भी जो वैकेंसीज हैं निकाली गई हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक के लिए कितनी पोस्ट हैं, आर्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं, PET मेल के लिए और PET फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, और लाइब्रेरियन के लिए भी जहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है, तो टोटल जहाँ पर नंबर जो बताया गया है जो नंबर आपका 1697 पोस्ट का है। इसके साथ साथ कुछ और जहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आपको, नॉन टीचिंग पोस्ट जहाँ भी निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल की वैकेंसीज निकली गई हैं। मेल की बात करें तो 335 और फीमेल की आपकी 334 वैकेंसीज जो हैं, कुल आपकी अप्रॉक्सीमेटली 669 वैकेंसीज जहाँ पे इसकी निकाली गई हैं। इसके साथ साथ ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे ज़रूर शेयर करने जा रहा हूँ। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जहाँ पर बात की गई है TGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस सब्जेक्ट आपके लिए होने चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन हो गया। इसके साथ ही जिस पे स्केल रहने वाला 44000 अप्रॉक्सीमेटली और 1,42,000 से वो सैलरीज की रहने वाली है। अदर TGT मिसलेनियस पोस्ट की बात करें जिसमें आपकी आर्ट, म्यूज़िक आ गई, PET मेल फीमेल आ गया, इसमें आपकी 35,000 से लेकर 1,12,000 रहने वाली है, और हॉस्टल वार्डन के लिए जो सैलरी यहाँ पर रहने वाली है 29,000 से लेकर 92,000 यहाँ पर राउंड ऑफ फिगर में आपको बता रहा हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओमर बेस होगा, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, ठीक है, इसमें दो लैंग्वेजेस होंगी इंग्लिश और हिंदी। और जहाँ पे TGT की बात करें तो एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 120 मार्क्स का, और लैंग्वेजेस कंपिटेंसीज टेस्ट होगा आपका 30 मार्क्स का। इसके साथ ये आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के कितने जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको, इसके साथ रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ ICT है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो हैं आपके 120 मार्क्स के होंगे। और जहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होगा इस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा 120 मार्क्स का, तो जहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप जहाँ पे देख सकते हैं TGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है 4 ईयर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर ऑनर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जे आर है इसमें से आपकी कोई भी अगर एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जहाँ पे एज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, एज जो रहेगी आपको अप टू 55 ईयर्स रहेगी फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। और
ये सारा क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। TGT के म्यूज़िक के लिए आपकी जो है 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में। उसके बाद TGT आर्ट के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास फाइन आर्ट्स की। जहाँ आपके पास BEd डिग्री हो फाइन आर्ट्स में तो उसके लिए एलिजिबल हैं। जो आपकी एज जो है 35 ईयर इसकी रहने वाली है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो 35 साल इसकी एज है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना ज़रूरी है। TGT लाइब्रेरियन की बात करें तो जहाँ पे 35 ईयर एज है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन वहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिक्यूगर इंस्टीट्यूट से। और जो आप देख सकते हैं EMRS जो इम्प्लॉयज़ रहेंगे इनकी एज जो है 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हॉस्टल बार्डर के लिए आपकी एज 35 होनी चाहिए और आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होने चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो कुल मिला के जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। इस तरीके से कैटेगरीज वाइज आपको इतनी इतनी रिलैक्सेशन जो है मिलने वाली है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की बात करें तो जहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको जो है बताया जाएगा कितनी कितनी जहाँ पे आपकी 5 ईयर आपको जहाँ पे रिलैक्सेशन जो है दी जाएगी। तो जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट्स या जितने भी एस्पिरेंट्स इसको देखेंगे इसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं पूरी की पूरी नोटिफिकेशन। और व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है आपको लिंक दे दूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं पूरी की पूरी PDF वहाँ पे शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।